नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल डिजिटल अनुदेशक में, जहां आपको मिलेगा मुफ्त का ज्ञान जो आपके आएगा बहुत काम। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे एक वर्डप्रेस को एकदम आसान से आसान तरीके से अपने लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे सही तरीका होता है आप एग्जाम इंस्टॉल करते हैं, PHP MySQL इंस्टॉल करते हैं, फिर कॉपी वगैरह करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन सबसे आसान कौन सा तरीका होता है वर्डप्रेस को आपके लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल करने के लिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो को बताऊंगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे के सारे कोर्सेज फ्री मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। फ्री वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने सिस्टम पर ये सर्च करना है, बिटनामी वर्डप्रेस विंडोज इंस्टॉलर। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो एक exe फाइल के लिए आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, इस तरीके से। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ से अपना ये आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन आपको ध्यान से सर्च करना है, बिकॉज बहुत से ऐड वगैरह भी इसके अंदर होते हैं। तो ये एक 140 MB के आसपास का ये डाउनलोड बटन होता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा ये टाइम लेगा। यहाँ पे देखिए, अभी डाउनलोड बटन आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, स्कैन वगैरह करेगा, और फिर एक इंस्टॉलेशन फाइल आपके पास आ जाएगी। जैसे ही इंस्टॉलेशन फाइल आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ये डाउनलोड की प्रोग्रेस भी चल रही है, जिसे आप देख सकते हैं, लगभग 140 MB का है। जैसे ही डाउनलोड कम्प्लीट होगा, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे एक इंस्टॉलेशन आता है किसी भी सॉफ्टवेयर का विंडोज़ के अंदर, वैसे ही आपका इंस्टॉलेशन विजार्ड चल जाएगा। तो उसी को अपन को फॉलो करके इसे इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए आ गया है, जहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, वैसे आएगा। तो इसने आपको कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन को आप यस कर देंगे। यस करने के बाद वापस नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए, ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे PHP MyAdmin में इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ आपको एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, कोई भी फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं ये सिर्फ वर्डप्रेस रखता हूँ, बाकी छोड़ देते हैं। तो सी बिटनामी वर्डप्रेस इसका लोकेशन है। मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर आप अपना एक नाम डाल दीजिए, जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे, और यहाँ पर आप ईमेल अपना डाल देंगे। तो मैं एक बार एक ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लॉगिन डिटेल या लॉगिन यूजर नेम डाल सकते हैं। तो मैं एडमिन डाल दूंगा, और पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं एडमिन 123 डाल देता हूँ, ठीक है। ये पासवर्ड यूजर नेम वगैरह डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप ब्लॉक का नाम डालेंगे, तो मैं यहाँ पर एक बार ये डाल देता हूँ। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर कोई ईमेल वगैरह सपोर्ट चाहते हैं तो इसको चेक कर सकते हैं, अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ हमें कोई भी क्लाउड वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। सेटअप रेडी है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए प्रोसेस शुरू हो चुकी है और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। कुछ टाइम ये लगाएगा फाइल को अनपैक करने में, और आपके सिस्टम में एक छोटा लोकल सर्वर इंस्टॉल करने में, डेटाबेस इंस्टॉल करने में, और फाइनली आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में। लेकिन कुछ ही सेकेंडों बाद या कुछ ही टाइम बाद ये पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, और एक लोकल वर्डप्रेस वेबसाइट आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगी, जिससे आप वर्डप्रेस को कम्प्लीटली सीख सकते हैं, अपनी कम्प्लीट वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। इंस्टॉल करते समय अगर इस तरह का नोटिफिकेशन आपका आता है फायरवॉल का, तो इसे आपको अलाउ एक्सेस करना है, क्योंकि ये एक सर्वर इंस्टॉल कर रहा है आपके सर्वर पर, आपके सिस्टम पर। तो इसे अलाउ एक्सेस करना पड़ेगा, और फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, लगभग ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत और बाकी है। तो ये देखिए, आपका वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने विंडो सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर लॉन्च पर चेक कर देना, और फिर इस फिनिश पे क्लिक कर देना, तो आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। इसको आप यस कर देंगे, क्योंकि ये मैनेजर है, जहाँ से आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं डेटाबेस वगैरह का। ये देखिए, तो आपका वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, जो पेज आपके सामने खुलेगा, यहाँ पर ये उसका लिंक आएगा, इस पर क्लिक करते ही आप वर्डप्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस है, जिसपे आपका वर्डप्रेस चलेगा आपके लोकल सिस्टम पर, और इस पर फिर आप अपना WP admin चला करके और बाकी का काम आगे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, admin 123, जो कि हमने स्टार्टअप के
हमने इंस्टॉलेशन के टाइम भी सेट किया था, ठीक है। एक चीज़ हमें और करनी है, क्योंकि ये इस इंस्टॉलेशन में जो वर्डप्रेस आता है वो ओल्ड वर्जन आता है, तो आप यहाँ पर अपडेट में जाके नया वर्डप्रेस वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अच्छा छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसपे आपने देखा कि कैसे आप सबसे आसान तरीके से वर्डप्रेस को अपने लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद वर्डप्रेस को सीखना शुरू कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या कुछ आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।